स्वागत है दोस्तों, छत्तीसगढ़ न्यूज में तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई है। धान तस्करों ने पुलिस कर्मियों को पीटा, छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर चेक पोस्ट तोड़ा, पुलिस वालों ने भागकर बचाई जान, चार गिरफ्तार, दो बाइक पिकअप जब्त। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर धान तस्करों के हौसले बुलंद हैं। तस्करों ने गुरुवार देर रात गरियाबंद में जमकर उत्पात मचाया। बॉर्डर पर बनी चेक पोस्ट पर पुलिस कर्मियों ने रोका तो तस्करों ने लठैतों के दम पर उनकी बुरी तरह से पिटाई कर दी। किसी तरह पुलिसकर्मियों ने ओडिशा के रास्ते भागकर अपनी जान बचाई। तस्करों ने चेक पोस्ट भी तोड़ दिया। बाद में देवभोग थाना पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल ओडिशा से अवैध रूप से आने वाले धान को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से बॉर्डर पर अलग अलग जगह 13 चेक पोस्ट बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि भरवामुड़ा चेक पोस्ट पर गुरुवार देर रात करीब 11 बजे चार लोग बाइक पर पहुंचे। उनके साथ पीछे एक पिकअप धान भरकर आ रहा था। इस पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया और पूछताछ करने लगे। पुलिसकर्मियों ने कागज मांगे तो आरोपियों ने गालियां देते हुए उन पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मियों को पीटना शुरू कर दिया। उन्होंने वहां बना अस्थायी चेक पोस्ट भी तोड़ दिया। तस्करों को भारी पड़ता देख जवान अपनी जान बचाने के लिए ओडिशा की ओर भागे और वहां से वापस छत्तीसगढ़ के धोबनमाल ग्राम पंचायत पहुंचकर जान बचाए। इसके बाद वहां के सरपंच और कोटवार से मदद लेकर किसी तरह पुलिस को सूचना दी। इसके बाद देवभोग पुलिस ने शुक्रवार सुबह आरोपियों को धर दबोचा। थाना प्रभारी बसंत बघेल ने बताया कि चेक पोस्ट पर तैनात कांस्टेबल पप्पू कांवर और मोतीलाल पैकरा ने FIR दर्ज कराई है। आरोपी बॉडीगांव निवासी टीकम गोड, भरवामुड़ा निवासी गोंधर मांझी व लिंबूधर मांझी और डोंगरी पारा निवासी प्रताप कोमर्रा को गैर जमानती धाराओं में गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से दो बाइक और पिकअप भी जब्त की है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ओडिशा के कांदामुड़ा से धान लाकर बॉडीगांव जा रहे थे।